रहीम क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वेन एन एनिमल सेल इज़ प्लेस इन अ हाइपोटोनिक इन्वामेंट इट विल जब हम हाइपोटोनिक इन्वामेंट के अंदर किसी एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है ऑप्शन ए है अंडर गोटो साइटोलाइसिस ऑप्शन बी है अंडर गो प्लाजोलाइसिस ऑप्शन सी है बी एट इक्विलिब्रियम ऑप्शन डी है इट्स टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अंडर गो साइटोलाइसिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अ पैरामीशियम शुड बी एक्टिव व्हेन द पैरामीशियम इज़ इन ऑप्शन ए है एन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी ए अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी है एनी एनवायरनमेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट the tendency of a solution to take up water when separated from pure water by a, by a selective permeable membrane is called option a had osmotic pressure option b had turgor pressure option c had diffusion pressure dif uh, deficit and option d is water potential so the correct option is option a osmotic pressure question number 49 zero fights have जीरोफाइट्स क्या होते हैं ऑप्शन ए डीप रूट्स फॉर वाटर अपटेक ऑप्शन बी सेकुलेंट स्टेम्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑप्शन सी फ्यूज टो टू लिमिट वाटर लॉस ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है हमारे पास a plant without cuticle in leaves and stems having increased number of stomata par partially in or completely submerged in water is option a is mesophyte option b is hydrophyte option c is both a and b and option d is halophyte so the correct option is option b hydrophyte question number 51 the entry of water from salty soil into roots of halophytes take place because the root of halophytes develop option a high water potential option b low osmotic pressure option c low water potential and option d all of these so the correct option is option c low water potential question number 52 animals that do not adjust their internal osmoregularity and are isotonic with their environment are ऑप्शन ए है ओसमो कन्फार्मर्स ऑप्शन बी है ओस्मो रेगुलेटर्स ऑप्शन सी है थर्मो रेगुलेटर्स एंड ऑप्शन डी है थर्मो कन्फार्मर्स सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओसमो कन्फार्मर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री एनिमल्स दैट आर नॉट आइसोटोनिक विद देयर इन्वायरमेंट एंड हैव डिवेलप्ड मैकेनिजम्स टू रेगुलेट देयर इंटरनल सोल्यूट एंड वाटर कंसेंट्रेशन आर ऑप्शन ए है ओस्मो कन्फार्मर्स ऑप्शन बी है ओस्मो रेगुलेटर्स ऑप्शन सी है थर्मो रेगुलेटर्स एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन रेगुलेटर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वाट इज करेक्ट फॉर डायग्राम बिलो नीचे जो डायग्राम दी गई है इनमें क्या हमारे पास करेक्ट है जो ए सेल ए है हमारे पास वो प्योर वाटर है जो सेल बी है हमारे पास वो वेरी साल्टी वाटर है एंड ऑप्शन सी जो हमारे पास सी सेल है वो साल्टी वाटर है तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए है हमारे पास सेल ए विल लूज वाटर सेल बी विल गेन वाटर सेल सी नीदर गेन नॉर लूज वाटर ऑप्शन बी है हमारे पास सेल ए नीदर गेन और नॉट लूज वाटर सेल बी विल गेन वाटर सेल सी विल लूज वाटर ऑप्शन सी है सेल ए विल गेन सेल बी नीदर गेन और नॉर लॉस वाटर सेल सी विल लूज वाटर एंड ऑप्शन डी है सेल ए विल गेन वाटर सेल बी विल लूज वाटर सेल सी नीदर गेन्स नॉर लूज वाटर सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Question number 55. An increase in blood sugar level triggers the release of the hormone insulin. B. The pancreas, the harmonic insulin, lowers blood sugar level, restoring the body to its original blood glucose level by converting glucose to glycogen. This is an example of option A has positive feedback, option B has negative feedback, option C has homeostatic imbalance, and option D has none of these. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नेगेटिव फीडबैक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है अ फिश इन फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश होती है वो क्या करती है ऑप्शन ए है प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन ऑप्शन बी है हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी ऑप्शन सी है प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है

प्रोड्यूसिस कंसनट्रेटेड यूरीन हैव आ हाइपोटोनिक बॉडी प्रोड्यूसिस है ए एंड बी सो दिन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मेटाबोलिक वेस्ट इज मेटाबोलिक वेस्ट क्या होता है ऑप्शन ए है वाटर आउटसाइड द सेल्स ऑफ एनिमल्स ऑप्शन बी है प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑप्शन सी है useful to desert mammals and option D have both B and C so the correct option is option D both B and C Question number 60 have plants do not excrete ammonia urea and uric acid because option A has they lack nitrogenous waste option B has their metabolism is protein based option C has their nitrogenous products are recycled and option D has All A B and C. So the correct option is option C. Their nitrogenous product are recycled. तो यह था हमारे dear students आज का लेक्चर. कल मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हकीस